होटल के अंदर पहली बार देखी। अभी होटल के अंदर दुकान होगी तो महंगी तो होगी। व्यू दिखता है डैलस डाउनटाउन का, काफी सही। मतलब बिल्कुल ही प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ से फोन गिरा तो बस गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एग्जैक्ट 3.25 घंटे ही लगे। थोड़ी खींच ली थी गाड़ी एंड बीच में सिर्फ एक ही स्टॉप लिया, वो भी फ्यूल भरने के लिए। ये वाला स्विच मैंने पहली बार देखा, इससे ब्राइटनेस बढ़ रही है, इससे कम हो रही है, काफ़ी कूल। एंड इससे कर दूंगा बिल्कुल ऑफ हो जाती है। ऑन ही नहीं हुई। हाँ, दी नेक्स्ट डे। तो रात को अंधेरा था, ये बाहर यहाँ से निकला तो पैटियो भी है बहुत सही और मस्त हवा चल रही है अभी सुबह के 8 बजे। यहाँ बैठ नहीं सकते, गर्मी पड़ने वाली है थोड़ी देर में। हीट वेव वार्निंग आ रखी है आज, 38 डिग्री सेल्सियस पहुँचने वाला टेम्परेचर, तो यहाँ से तो काम हो नहीं पाएगा। एंड ये जो एयरबीएनबी में हम रह रहे हैं ना, इसका कॉस्ट एक्चुअल अगर ये ख़रीदना हो दैट इज़ $350,000, दैट्स इट। एंड यही अगर सिएटल में लेने जाओ, सिएटल के 20-25 माइल में भी आस पास ले जाओ, 1 मिलियन से कम में कहीं नहीं मिलना। मतलब इतने सस्ते घर हैं यहाँ पर। ये डैलस सिटी है जो कि यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, काफ़ी मतलब है डेवलप्ड सिटी है। अंडरवर्ल्ड सिटी में तो 100-200 के तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है आई थिंक यहाँ पे घर लेना। एंड इतना सही घर है 350K में, सिएटल में से छोटा मिलेगा। एंड फालतू के कॉस्ट हैं ये वो, यार बहुत ज़्यादा महंगा है सिएटल। एक बाथरूम ऐसा महाना है, वॉश बेसिन के सामने शीशा होना चाहिए, साइड में लगा रखा है। और ये देखो भाई, ऊपर ऐसे ये ओपन करा हुआ है ताकि यहाँ की खुशबू जो है वहाँ भी जाए बेडरूम में। पर मतलब जो भी कहो, 300K में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सही डील है। मतलब बाहर पैटियो देखो जाता सही है, यहाँ के कॉस्ट बहुत ही कम है। और लिटरली वेस्ट कोस्ट में कैलिफोर्निया चले जाओ, वाशिंगटन में भी सिएटल के आसपास ही, वाशिंगटन में सदर्न वाशिंगटन या ओरेगन में जाओगे तो वहाँ थोड़े सस्ते हैं। तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ कर लेते हो तो। यहाँ पे सैटरडे संडे 6 PM एंड 4 PM तक है। सो मेरे पीछे है डैलस डाउनटाउन एंड अभी आए हैं गिफ्ट शॉप में एंड इसके बाद जाएंगे रीयूनियन टावर जो कि वहाँ से जैसे स्पेस नीडल है एंड जैसा सैन एंटोनियो में टावर ऑफ द अमेरिकाज गए थे वैसा ही। चलो यहीं से बीच से क्रॉस करेंगे। यहाँ पे जितनी सिटी में गए हैं हर जगह ये वाला है। एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज वन फ्रिज मैग्नेट फॉर? होटल के अंदर पहली बार देखी। अभी होटल के अंदर दुकान होगी तो महंगी तो होगी। तो यही डाउन टाउन में यही है रीयूनियन टावर, बाहर तक केज जैसा लगा हुआ है तो अंदर से जाके देखते हैं कैसा व्यू है। की गार्ड यहाँ डालना पड़ेगा या फिर खुला ही है? खुला ऐसा लग रहा है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। रात में ऐसा कुछ व्यू दिखता है डैलस डाउनटाउन का, काफ़ी सही। ये मेरे ख्याल से हयात वालों ने बनाया है, हर जगह हयात हयात लिखा हुआ है और बिल्डिंग भी सेम कॉमन शेयर ही कर रहे हैं दोनों। $19 की टिकट है। सो व्हाट इज द रेंज, लाइक 19 to 35? ये पहली बार सुना, ट्रैफिक के हिसाब से अपना रेट बदलते रहता है। आज पड़ी है 20 per person, आज ट्रैफिक कम है। 7:30 जनरल एडमिशन। वेट अलाइन, ओ यहाँ पे अलाइन, यहाँ पे फोटो खींचते हैं इस बैकग्राउंड के साथ, फिर पैसे मांग लेते हैं वाटर मार्क हटाने के। फाइनली लिफ्ट में, आई एंजॉय योर शो। थैंक यू, थैंक यू। गए टॉप पे और यहाँ पे भी वैसे ही है, एक इधर होता है नीचे आ जाके थोड़ा सा और जो अच्छा व्यू चाहिए बाहर का। सो दिस इज 570 फीट टॉल, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। दूरबीन फ्री लग रही है मेरे को, फ्री है पहली बार।
और यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं है एक्चुअली, तो हवा आ रही है बहुत सही। ड्रोन शॉट विदाउट अ ड्रोन अगेन। उस साइड है डाउनटाउन एंड इस साइड ये सारे फ्रीवेज। आगे चलते हैं। ये वही वो जो बाहर से दिख रहा था केज, यहाँ लगा रखा पता नहीं क्यों। वहाँ वेस्ट साइड है पूरा, सनसेट सनसेट मस्त हो रहा था एंड यहाँ से फिर से डाउनटाउन चालू हो गया। ये वाली बिल्डिंग मेरे को सबसे ज़्यादा सही लग रही है, सबसे लंबी वेस्टर्न के बाजू में, यहाँ वेस्टर्न एंड्स के बाजू। मतलब बिल्कुल ही प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ से फ़ोन गिरा तो बस गया। उससे तो बहुत सही व्यू है यहाँ पे, वहाँ पे तो ज़्यादा व्यू भी नहीं था, उसका डाउनटाउन भी छोटा था एंड यहाँ डाउनटाउन की स्काईलाइन बहुत सही लग रही है। रात में देखते हैं कैसा दिखेगा रात में, अभी तो 8 बज रहे हैं, इतनी लाइट है, 10 बजे से पहले पूरा अंधेरा नहीं हो रहा है। ट्रेन भी चल रही है काफ़ी सही। नेवरा ब्रिज बहुत सही लगा मुझे, और रोड नेटवर्क देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से दो लेन आ रही हैं, इधर ये दो फ्लाई ओवर ऊपर जा रहे हैं एंड इधर ट्रेन का नेटवर्क भी बिछा हुआ है, इतनी सही प्लानिंग है। एक तो पहली बार हर जगह ये क्वार्टर दिन होता है यहाँ पे, पहली बार देखा है जहाँ पे फ्री है एंड इसकी जूम क्वालिटी देखो। मतलब पूरा मेन्यू दिख रहा है उसका। तो अभी ऊपर वाले एरिया में आ गया, ये कुछ टच टू स्टार्ट टावर लाइट शो लैंडमार्क ज़ूम इन करते हैं। ओ क्या ये कैमरा, कुछ नहीं रहा ये वाला चल रहा है इसका लाइव कैमरा, मेरा वाला पता नहीं क्या है। स्कैन कर, यहाँ फाइनली हो गया चल। काफ़ी सही ये वाली मशीन, $5.50 की, इतना छोटा अब निकलते हैं ऐसे। यहाँ पे मॉडल बना रखा है, केस तो बना देते उसके आसपास जो गंदा सा है एंड ये यहाँ पे कॉइन्स डालो और ऐसे रोटेट करते रहो, किस्मत आजमाने के लिए कॉइन्स गिरे तो मारे। वेट फॉर एलिवेटर टू अराइव। इतनी हाइट नहीं है यार इसकी, ये लिफ्ट तो डम के जगह बना लेते जहाँ से व्यू अच्छा आता है। इसका एग्जिट भी है होटल से ही है, प्लीज बताना ये वाला कैसा लगा। ये उससे तो बेटर ही था ना सैन एंटोनियो से तो।